राजस्थान के उदयपुर में हुई घटना के बाद पुलिस जहां पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट नजर आ रही है, तो वहीं जनपद शामली के कैराना में भी अपर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया। फिलहाल जनपद शामली में शांति व्यवस्था कायम है और पुलिस अपने अपने थाना क्षेत्रों में लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। पुलिस अधिकारी भी अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था व कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए अपने अपने थाना क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं। आपको बता दें, राजस्थान के उदयपुर में नुपुर शर्मा के समर्थक कन्हैयालाल की हत्या के बाद जहां मामला गरमाया है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया है। जनपद शामली में कैराना सहित अपर पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा भारी पुलिस बल के साथ शामली में पैदल गश्त कर पुलिस का दमखम दिखाया। फिलहाल जनपद शामली में शांति व्यवस्था कायम है। पुलिस अधिकारी सड़कों पर पुलिस बल के साथ अपने अपने थाना क्षेत्रों में पैदल गश्त कर शांति व्यवस्था कायम रख रही हैं। खुराफाती लोगों और संवेदनशील इलाकों में अपनी नजर बनाए हुए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने बताया कि जनपद शामली के हर कोने में उत्तर प्रदेश पुलिस तैनात है। जिले में शांति व्यवस्था बनी रहे, आपसी भाईचारा कायम रहे, कोई अफवाह ना फैलने पाए, अराजक तत्व या तुच्छ राजनीति कारण जिले में द्वेष की भावना फैला रहा हो या आपसी भाईचारे को खत्म करना चाह रहा हो, उसके लिए आज हमारे जवानों द्वारा शामली के कैराना स्थित कोने कोने में फ्लैग मार्च निकाला गया। किया गया, किस संबंध में किया गया, क्या है सर? देखिए, जैसा आज आप देख रहे होंगे, जनपद शामली के हर कोने में जितना पुलिस बल लगी है कैराना में आप देख रहे हैं। मैं चाहूंगा आप अपने कैमरों को हमारे जवानों की तरफ एक बार करें। हर जवान ने जो पसीना निकाला है, ये पसीना इसलिए निकाला है कि जनपद शामली के कोने कोने में पहले की तरीके से शांति व्यवस्था बनी रहे, आपसी भाईचारा कायम रहे, कोई अफवाह न फैलने पाए, कोई अराजक तत्व या जो कोई तुच्छ राजनीति के कारण विद्वेष की भावना फैलाना चाह रहा हो या आपसी भाईचारा को खत्म करना चाह रहा हो, उसके लिए हमारे जवानों ने आज इस कैराना सहित जनपद के कोने कोने में फ्लैग मार्च किया है, जो इस बात की गारंटी लोगों को दे रहे हैं, एहसास करा रहे हैं कि इस जनपद में भाईचारा कायम है, आगे भी रहेगा। यदि किसी खुराफाती तत्वों द्वारा इस भाईचारे के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया जाएगा, तो यह हमारा पुलिस बल सख्ती से उनके साथ निकलेगा। उदयपुर की घटना हुई है, इसको लेकर क्या अलर्ट किया गया है? ये अलर्ट ही तो है। एक तो अलर्टनेस ये है कि हम आपके माध्यम से जनपद वासियों को ये एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि किसी तरीके की अफवाहों में ना आए। तत्काल अगर किसी तरीके की कोई सूचना मिल रही है तो नजदीकी पुलिस स्टेशन या अधिकारियों को तत्काल सूचना दें। और इसके अलावा जिस तरीके से वो एक दूसरे के साथ अब तक रहे आए हैं, आपसी भाईचारा के साथ रहे आए हैं, हमारे जनपद में कम्युनल हारमोनी जो विद्यमान है, सांप्रदायिक सौहार्द की स्थिति जो बनी हुई है, ये भविष्य में भी कायम रहे। हम अपने माध्यम से, चाहे वो पुलिस की टीम हो, चाहे वो मित्र पुलिस की टीम हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस हो या हमारे अन्य जो भी माध्यम है, हम अपने सारे स्टेक होल्डरों के माध्यम से खुराफाती तत्वों पर निरंतर नजर रखे हुए हैं। और यदि कोई हमारे इस अमन चयन को बिगाड़ने का प्रयास करेगा तो नियमों के अधीन सख्ती से हम निपटेंगे। और आपके माध्यम से फिर से हम एक बार अपील करना चाह रहे हैं कि पुलिस आपके साथ है, आप कतई किसी भी नापाक मंसूबे को कामयाब न हों।